कहा यह जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें यहां पर उज्जैनी में भी गिरी थी और तभी से मोक्षदायिनी पुण्य सलीला क्षिप्रा के किनारे हर 12 साल बाद सिंहस्थ का मेला लगता है। सिंहस्थ का वो ऐतिहासिक धार्मिक आध्यात्मिक मेला जहां पर लोग क्षिप्रा में डुबकी लगाकर अपने तमाम पाप धोने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या किसी ने उन अमृत की बूंदों को भौतिक स्वरूप में देखा है? क्या उन अमृत की बूंदों में पान कर क्षिप्रा में डुबकी लगाकर ही पुण्य प्राप्त किया जा सकता है, या फिर वो विचार जिसकी वजह से भारत विश्व गुरु बना था, इसी विचार को ध्यान में रखकर यहाँ पर एक वैचारिक महाकुंभ रचा गया। एक वैचारिक महाकुंभ जिसमें पिछले 2 दिनों से लगातार मंथन हुआ अध्यात्म और धर्म के अलग अलग विषयों पर। इस वैचारिक महाकुंभ का समापन आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण विचार मंच से देने की कोशिश की। उन्होंने भारत की त्यैन तक्त्यैन भुंजिता की परंपरा को याद दिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि परंपरा में बंधना हम लोगों की धर्म और संस्कृति में नहीं है, स्वभाव में नहीं है। जो परंपरा पुरानी होती है उसे त्याग कर आगे बढ़ना होता है। जैसे एक समय में हम समंदर को पार करना वर्जित मानते थे, लेकिन आज समंदर के पार हमारा ज्ञान जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस ज्ञान को सही तरीके से पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया की जवाबदारी है कि वो भारत को सही रूप में विश्व के मंच पर प्रस्तुत करे। केवल नागा साधु ही कुंभ नहीं है, उनकी तस्वीरें छापकर हम कुंभ को पूर्ण नहीं मान सकते। ज़रूरी ये है कि भारत जिस तरीके का मैनेजमेंट करता है इतनी बड़ी भीड़ का, वो भी लोगों के सामने जाए। भारत की धर्म और अध्यात्म के अलग अलग रंग दुनिया के सामने जाएँ। लगभग हर रोज़ यूरोप के एक छोटे देश की संख्या के लगभग लोग यहाँ पर क्षिप्रा के तट पर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी जिस तरीके से दुनिया के मंच पर जानी चाहिए वो नहीं जा रही है। जो कालबाह्य हो चुका है उसे त्यागना चाहिए। मोक्ष की बातें करें जरूर करें, लेकिन एक सप्ताह ऐसा हो कि जहां धरती की सच्चाइयों के साथ पेड़ क्यों उगाना चाहिए, नदी को स्वच्छ क्यों रखना चाहिए, बेटी को क्यों पढ़ाना चाहिए, नारी का गौरव क्यों करना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से और देश भर के विद्वत जनों को बुला करके जिनकी धर्म में आस्था ना हो, जो परमात्मा में विश्वास न करता हो, उसको भी बुला करके जरा बताओ तो भाई। और हमारा जो भक्त समुदाय है उनके सामने विचार विमर्श हर परंपरा में साल में 1 बार 7 दिन अपने अपने तरीके से अपने अपने स्थान पर ज्ञानी विज्ञानियों को बुला करके विचार विमर्श हो, तो आप देखिए 3 साल के बाद अब अगला जो हमारा कुंभ का अवसर आएगा और 12 साल के बाद जो महाकुंभ रहता है वो जब आएगा, आप देखिए हमारी ये विचार मंथन की प्रक्रिया कितनी शार्पन हुई होगी। दुनिया हमारे विचारों को उठाने के लिए तैयार है। विचार अच्छे हैं, मंच बढ़िया सजा है, पांडाल भी भव्य है, लेकिन भव्य मंच के भव्य पांडाल से जो विचार यहाँ पर दिए गए हैं, क्या वो उन लोगों के पास जो लगभग 12 दिन तक लगातार सिर पर गठरी रखकर अपना सामान रखकर पंचक्रोशी की यात्रा करते हैं या क्षिप्रा में डुबकी लगाने को ही मोक्ष मानते हैं, उन तक ये विचार पहुँच पाएंगे? जब तक ये विचार उन तक नहीं पहुँचते, भारत सचमुच विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगा, और असली चुनौती भी यही है। निनौरा से विचार महाकुंभ से जयदीप कर्णिक।